आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सदन में 2023-2024 का बजट पास किया है। योगी सरकार ने यह बजट युवाओं और महिलाओं के लिए अच्छा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। योगी सरकार ने सदन में 2023-24 का बजट पेश किया। 7 लाख करोड़ रुपए का ये बजट कई लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आया। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में महिला युवा सशक्तिकरण, किसानों के साथ साथ नई अवस्थापना और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया गया है। वहीं सरकार का दावा $1 ट्रिलियन के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये बजट। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। इस बजट से किसान इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी कई वायदे किए गए हैं। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला PSC बटालियन का भी गठन किया जा रहा है। और साथ ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जा रहा है। युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट ऑब्लिक स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। इस बजट ने यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी किया। और कपड़ा उद्योग में 31,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा। हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरा, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा। चिकित्सा स्वास्थ्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट जनपदों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल का सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना तथा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना आदि कार्यों हेतु 1547 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वैसे देखा जाए तो यूपी विधानसभा योगी सरकार के इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ रहा है। जैसे कि इस बजट के दौरान वित्त मंत्री बोले, यूपी इन्वेस्टर समिट एक बड़ी सफलता रही, देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक, यूपी की विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए हैं, एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए, सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित, विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित, विधवा महिलाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए, वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए,
3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया। जीआईएस में 33.50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं इस बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृतकाल का बजट बताया। अमृतकाल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट की शुरुआत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विशेष पूजा करके की थी। जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार इस बजट की खूबियां गिनाती नहीं थक रही है, तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे बजट को ही दिशाहीन बताया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में आज बजट पेश हुआ। बजट पेश होने से पहले सदन में सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, तस्वीरें खिंचवाने का सिलसिला चला, लेकिन उन सभी तस्वीरों में एक तस्वीर अखिलेश यादव की भी थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अखिलेश यादव, जिनको हमेशा से सफेद कुर्ते पैजामे और काली सदरी में देखा गया, लेकिन आज सदन में अनोखे अंदाज में नजर आए। अखिलेश के साथ ही समाजवादी पार्टी के अन्य कई विधायक भी शेरवानी पहनकर पहुंच गए। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पूर्व मंत्री आजम खान के समर्थन में शेरवानी पहनकर आना तय किया। ये सपा की तरफ से योगी सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध का तरीका बताया गया। हालांकि इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह रामपुर फैमिली के प्रति समर्थन जाहिर करने के लिए किया गया। वही समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग शेरवानी पहनकर साइकिल चलाते हुए विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, कुर्ता धोती शेरवानी पहने लोगों ने ही हमें आजादी हासिल करने में मदद की है। मैं शेरवानी पहनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ के लिए गुलाब भी लेकर आया हूं, क्योंकि वह नफरत की राजनीति करते हैं। अब अगर बात करें बजट की, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को दिशाहीन बताया है। अखिलेश ने कहा, इसमें न आज की समस्याओं का समाधान है और न ही भविष्य के किसी फैसले को आगे लेकर जाने का कोई रास्ता दिखाई देता है। इस बजट ने किसानों, युवाओं, महिलाओं को निराश किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश में कोई नौकरी नहीं है, सरकार ने सभी एमएसएमई सेक्टर को नष्ट कर दिया है, उनके लिए किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई। साथ ही कहा कि व्यापार करने में आसानी, लेकिन वास्तव में यह अपराध करने में आसानी है। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है, जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और ना भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोज़गार, नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे,
नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।